अगर आपको शीघ्र पतन की समस्या आ रही है या किसी भी कारण से पीछे की जो आपकी बैड हैबिट रही है या कुछ भी रहा है उसके कारण अगर शीघ्र पतन की समस्या आ रही है तो आपको मैं एक डाइट और सिर्फ एक आसन बताऊंगा जिसको आप प्रतिदिन कीजिए। डाइट को तो आपने सिर्फ 10 दिन या 15 दिन ही फॉलो करना है, मगर आसन को आपने कंटिन्यू महीने 3 महीने तक इसका अभ्यास करना है। जब आप डाइट और आसन इन दोनों को एक साथ करेंगे तो आपकी जल्द से जल्द 3 से 4 दिन के भीतर ही आपको शीघ्र पतन में आपको फायदा देखने को मिलेगा। इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और एक लंबे समय तक करने से हमेशा के लिए ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। एक बार खुद करके इस अभ्यास को देख लीजिएगा, आपको दूसरे और तीसरे दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको डाइट बता देता हूँ। देखिए, बताशे तो आप सभी जानते हैं, आप देखेंगे कि बताशे जो टूटे हुए ना हो, टूटे हुए भी होंगे तो चलेगा, असर एक ही है। आपको बताशे लेने हैं 5 बताशे। अब आप 6 भी खा सकते हैं, 10 भी खा सकते हैं, परंतु 5 आपका मैक्सिमम हो जाता है, मीठा कुछ अधिक हो जाता है। तो आपने 5 बताशे लेने हैं। उन 5 बताशों में आपने एक बताशे में 10 बूंद बरगद का दूध डालना है। आपको बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ जो जटाएं वाला पेड़ होता है, उस पेड़ पर जाना है और उसकी कोपल या पत्ते तोड़कर उसका दूध निकाल के बताशे में डालना है। और 5 बताशे आपने प्रतिदिन रोज सुबह खाने हैं खाली पेट, सिर्फ कुल्ला करके। और जब आप बताशे खा लेते हैं उसके 1 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना है, सिर्फ आपने घूमना फिरना जो आपकी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, परंतु पानी ना पी। तो आपने 5 बताशे ये खा लिए। गरिष्ठ भोजन, किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन ना करें, तेल मिर्च मसालों का त्याग कर दें और घी और मक्खन अधिक खाएं। अब ये तो हो गई आपकी डाइट, अब मैं आपको एक आसन बता देता हूँ। तो देखिए, आपने इस प्रकार दोनों पैरों के बीच में गैप देना है, फीट को आउट करना है और इस प्रकार हील को बाहर रखते हुए बीच में बैठ जाना है। इस प्रकार अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो पहले पहले आपने वज्रासन का अभ्यास करना है। इस प्रकार वज्रासन में बैठकर, और फिर जब आपके नी में पेन ना हो, एंकल में पेन ना हो, इसके बाद तब आपने, जब आपको लगे कि हाँ वज्रासन में आराम से बैठा जा रहा है, तब आपने हील को बाहर निकाला, अपने फीट को बाहर रखते हुए दोनों फीट के बीच में गैप बनाकर इस प्रकार आपने वीर आसन में बैठ जाना है। इसको कहते हैं वीर आसन। इसकी स्टार्टिंग आपकी वज्रासन से शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार आपने 10 से 15 मिनट रोज वीर आसन में बैठकर मूल बंध लगाना है। अब मूल बंध कैसे लगाते हैं? एनस रीजन को, आपका जो गुदा एरिया है, मलाशय है, उस एरिए को आपने टाइट करते हुए ऊपर की ओर खींचना है और होल्ड रखना है। जब तक आप खींच के रोक सकते हैं तब तक रोक के रखें, और जब ना रोका जाए तो रिलैक्स छोड़ें और फिर आराम करें। जब आपको लगे कि नी में पेन हो रहा है तो कुछ देर के लिए पैरों को सीधा भी करके बैठ सकते हैं, फिर से इसका अभ्यास करें। तो इस प्रकार आप अपने वीर्य संबंधी रोग, शीघ्र पतन या किसी भी कारण आपको धातु रोग की लक्षण आ रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं को आप सिर्फ इतने छोटे से अभ्यास से ही ठीक कर सकते हैं। तो आज